इस वक्त हम खड़े हैं रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 20 इंदिरा गांधी वार्ड पर। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी समस्याएं देखा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है, नालियों की सफाई तक नहीं होती, पार्षद भी यहाँ पर आते नहीं है, ध्यान नहीं देते, जनता काफ़ी परेशान है। जनता कई बार इसकी शिकायत जो है वार्ड के पार्षद को कर चुके हैं, लेकिन वार्ड के पार्षद यहाँ की समस्याओं का निदान करना नहीं चाह रहे। देखें यहाँ पर किस प्रकार से बाजार लगी हुई है, बाजार में यहाँ पर लोग पब्लिक आते हैं, पब्लिक को भी किस प्रकार से परेशानी होती, हम देखिए बात करते हैं। बताइए भी किस प्रकार की परेशानी होती है भैया। यहाँ तो दो दो तीन तीन बार मंत्री चेंज हो गया, उसके बाद भी रोड नहीं बना है, नली अभी अभी बना है, चैम्बर अभी लगा है, अमित यादव सब प्रदर्शन किया तो कुछ ध्यान ही नहीं देता पार्षद तो। यहाँ मंत्री लोग भी, कुलदीप जुनेजा भी आया था अभी हफ्ता भर पहले रोड को देखने के लिए, पानी भरा रहता था, गर्मी में बारिश में तो चलने के लिए रास्ता नहीं रहता, इतना पानी भरा रहता है यहाँ पे। वार्ड के पार्षद को बताते तो वार्ड के पार्षद क्या बोलते हैं? वार्ड का पार्षद हाँ हाँ बोलता है लेकिन वो आता ही नहीं। हाँ बोलता है, बस हो जाएगा बोलता है लेकिन होते नहीं आज तक। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सब्जी खरीदार करने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। जब वार्ड के पास आते हैं वार्ड में सब्जी लेने के लिए तो किस प्रकार से, क्या बताना है बताइए। अक्सर ये देखा गया है जब चुनाव होता है तो किसी भी पक्ष का हो पार्षद चुनाव के लिए अपने वोट के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन जैसे उसको अब कुर्सी मिलती है तो ये भूल जाता है मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा काम क्या है। तो जागरूकता आना चाहिए पार्षदों में, और जागरूकता आ नहीं रही है तो ऐसे पार्षद को चुनना भी नहीं चाहिए। ये वार्ड के पब्लिक की जो है बहुत बड़ी भूल है कि ऐसे पार्षद को चुनना नहीं चाहिए जो काम नहीं करता या जुझारू नहीं है या मोहल्ले की किसी चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने वोट से मतलब है, अपनी सीट से मतलब है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आगे पब्लिक समझदार है किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, ये तो पब्लिक की गलती है। चुनते समय चुनाव को ध्यान में रखना चाहिए ना कि पार्टी को। जय हिंद। तो देखिए किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है, बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोगों जो पार्षद को चुनते हैं, केवल मतदान के समय लोगों ने चुन तो लेता है लेकिन जो है अपना कर्तव्यों का पालन नहीं करता। नाले के पानी की समस्या है, नाले में कचरा जाम हो जाता है और उसकी पाइपलाइन भी टूटी हुई है, पूरे सफाई की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे हो नहीं पा रही है तो फिर किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं आप लोग, बाहर से खरीदते हैं कि टैंकर वैंकर क्या है? टैंकर वैंकर आता है कभी कभी, ऐसे ही पीने का पानी कहीं से भी भर के आ जाते हैं। नालियों की रूटीन पे साफ सफाई होती कि नहीं होती है? नहीं सर। वही पार्षद निरीक्षण करने के लिए आते कि नहीं आते सर वार्ड में? सर कभी कभार आ जाते हैं, एकदम रेयर केस में। यहाँ की समस्या को लेकर के बताया कि आप लोगों ने पार्षद को? सर पार्षद से बात की है लेकिन कभी बात आगे नहीं बढ़ती है। देखा जा रहा है कि कई जगह नाली पाइपलाइन बिछाने के नाम पे जो है सड़कों को खोद दिया लेकिन उसको बराबर नहीं किया गया। सर वो तो अभी चल ही रहे पाइपलाइन बिछाने का काम, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे। और क्या क्या समस्या होती है आप लोगों को सर? यहाँ साफ सफाई के लिए बहुत बार कंप्लेन की है हमने, उसमें भी कुछ देखा नहीं जा रहा है कि साफ सफाई हो रही है या नहीं, अभी पार्षद आते नहीं है ऐसे देखने। देखिए सबसे पहले तो साफ सफाई वाले डेली नहीं आते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कचरे वगैरह नहीं उठ रहे हैं ढंग से, है न, और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, है न। गर्मियों में लोग पानी के लिए तिल मिला जाते हैं, पानी नहीं मिल रहा है ना। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है ज़रा इन चीज़ों पे ध्यान दें, है ना। नालियों की साफ सफाई को लेकर? नालियों की साफ सफाई भी रेगुलर तो नहीं हो पाती है, आप देख सकते हैं यहाँ नालियों में कितने कचरे हैं। ये आइए इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये नालियों में ये सारी गंदगी रहती है। अभी बारिश आने वाला है फिर जल जमाव होगा और पूरी गलियां भर जाएगी। तो वार्ड के पार्षद यहाँ निरीक्षण करने आते हैं कि नहीं आते इस क्षेत्र में? मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ। मैं अनंत कुमार। यहाँ सब्जी दुकान में कुछ भी परेशानी रहता है तो हम लोग अमित यादव के पास जाते हैं और वही प्रदर्शन करके नली को बनाया है, और कुछ भी समस्या रहता है तो हम लोग वहीं जाते हैं, उसी के पास जाते हैं। वार्ड के पार्षद ध्यान नहीं देते? ध्यान नहीं देते, बोलने के बाद क्या बोलते पार्षद? हाँ हाँ बोल के छोड़ देते हैं। यहाँ पानी का भी समस्या है, पानी भी मिलता ही नहीं है, आश्वासन बस देता है और चले जाता है। पानी का बाहर खरीद के पीना पड़ता है आप लोगों को?
हाँ पानी तो खरीद के पीते हैं, दुकान के लिए भी पानी घर से लाते हैं। सुविधा कुछ भी नहीं आ रही है, रोड भी अभी तक बना नहीं है, 15 साल हो गया। राशन कार्ड मजदूर कार्ड को लेकर के किस प्रकार से? नहीं है, राशन के लिए ले जाते हैं, 10 बजे तक खोलती है, 11 बजे बंद कर देती है, राशन भी नहीं मिलता, 10 बार जाना पड़ता है तब राशन मिलता है। मेरा नाम सुनीता डरसेना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद भावेश पिथालिया जी। हम उनसे बात करेंगे कि वार्ड में किन किन प्रकार के समस्याएं हैं और समस्याओं को कैसे निदान करते हैं इनको लेकर के, क्योंकि वार्ड में कई सारे लोगों ने बताया कि कई कुछ कामियां हैं, उनको भी किस प्रकार से उजागर करेंगे और क्या उन कामियों को पूरा करेंगे। मेरे वार्ड में पानी की समस्या बहुत ही कम है, जो कि अभी तक के टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे यहाँ एक टैंक गंज पारा में जो पानी टंकी, उसी से भरपूर पानी की व्यवस्था हो जाती है, जिससे टैंकर की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। जहाँ जहाँ नल बह रहे हैं उनको टोटी लगवाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन लोग भी इनके साथ रहेंगे, ज़रूरत करेंगे, तभी ये काम पूरा हो सकेगा। पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, वहीं पर जो है ठेकेदार जो है बगैर उनको बराबर किए हुए छोड़ दिया गया है। नहीं नहीं, वो जो है अभी उनका काम कार्य चालू है, पूरा होने के बाद, जॉइंट होने के बाद उस पर कंक्रीटिंग किया जाएगा। लोगों का कहना है कि मच्छर की समस्या बहुत ज़्यादा है, फॉगिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्या नगर निगम जो है व्यवस्था नहीं कर पा रही? क्या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है तो इसी वजह से क्या आपको वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही? नगर निगम इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे, मशीन होने के बावजूद भी इन लोगों की मशीन खराबें पड़ी हैं, जो कभी यूज़ करते हैं कभी नहीं करते हैं। बहुत बोलने के बाद ये लोग एक बार वार्ड में जाते हैं, नहीं तो आज 10 वार्ड है इस जोन में और इन लोगों के पास सिर्फ मशीन एक ही है। अब 10 वार्ड में कहाँ कहाँ घूमेंगे ये लोग? क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार है, महापौर बने हैं, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को काफ़ी परेशानी होती है, ऐसा कुछ है? नहीं, इस तरीके की अभी तक के मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है, अभी तक के हमारा काम पूरा हुआ है। सफाई को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्या ऐसा है कि कर्मचारी रोज़ नहीं आ पा रहे, रोज़ सफाई नहीं हो पा रही? देखिए, डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी तो प्रतिदिन आ रही है, लेकिन लोग जब तक नहीं सुधरेंगे ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। लोग कचरा नाली में डाल देते हैं और बोलते हैं हमको नाली सफाई दे। भाई, नाली पानी बहने के लिए, कचरा डालने के लिए नहीं है। लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए आप किस प्रकार से वार्ड में जाते हैं? भाई, मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि रोज़ अपने पास गाड़ी आ रही, रोज़ कचरा गाड़ी में डालो। अगर एक दिन गाड़ी नहीं आती तो आप एक दिन रख सकते हैं, फिर बाद में आप हमको फ़ोन करिए, हम उनकी व्यवस्था। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक इस चीज़ से ज़रा भी ध्यान नहीं देती है। तो वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद जो है भावेश पिथालिया जी, उन्होंने कहा कि लोगों को है कई सारी समस्याएं तो है, लेकिन उनको निदान भी किया जा रहा है। कुछ पानी की व्यवस्था थी, पानी की तो टैंकर मुक्त वार्ड हो चुका है कहीं ना कहीं, और कुछ परेशानी भी होगी तो उनको भी जल्द ही दूर कर दी जाएगी। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ श्रवण यदु ग्लिप.इन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।